नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखेड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अगले चार दिन किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल 31 मार्च तक उन्हें दो महत्वपूर्ण काम करने हैं, क्योंकि इस दिन किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा जमा कराने की अंतिम तारीख है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ लेने के लिए इस दिन तक आधार लिंक करवाना होगा। अगर ये दोनों काम किसानों ने नहीं करवाए तो उन्हें आर्थिक तौर पर बेहद नुकसान हो सकता है। वडोदरा के नंदेसरी में GSP क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित किया है, जहां GSP कंपनी ने सच्चाई और पूरी वफादारी के साथ लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि GSP कंपनी को हमेशा अपने कर्मचारियों को सम्मान देने और पुरस्कृत करने के लिए जाना जाता है। अनिश शाह 2 अप्रैल से महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले रिजी कैपिटल इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO रह चुके हैं, साथ ही उन्हें 14 साल का अनुभव है। अनिश शाह ने बैंक ऑफ अमेरिका की US डेबिट प्रोडक्ट बिजनेस का नेतृत्व भी किया है। पृथ्वी को बचाने के लिए GK सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने नई मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने अर्थ ऑवर के तहत आज रात 8:30 बजे 1 घंटे के लिए सभी से लाइट्स को ऑफ करने की गुजारिश की है। साथ ही कंपनी ने ऊर्जा की बचत पर धरती को सुरक्षित रखने के लिए एकजुटता का संदेश भी दिया है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विनोद कुमार गौड़ ने कृषि जागरण को बताया कि कैसे NSC गुणवत्ता वाला बीज किसानों तक पहुँचाने का प्रयास करती है। तो हम 3-4 माध्यमों से करते हैं। सबसे पहले तो हम भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके द्वारा बीज दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम राज्य सरकार की योजनाओं में भी उसके द्वारा बीज देते हैं राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार के जो सीड कॉर्पोरेशन है आम उनको भी बीज देते हैं। इसके अलावा हमारे पास लगभग 2.5 से 3 हजार तक हमारे बीज वितरक है प्राइवेट में, उनके माध्यम से हम बीज दे रहे हैं। हमारे लगभग 65 से 70 जगह पे अपने सेल काउंटर है, वहां से हम बीज देते हैं। हम किसान मेले में जाके बीज बांटते हैं, तो कोई भी क्षेत्र हम ऐसा नहीं छोड़ते जहां भी मौका है कि किसान को वहां पे बीज ना पहुंचाए। मुख्य हमारा मेन जो मकसद है वो ये है कि किसानों को समय से गुणवत्ता वाला बीज सही दाम में, फिर कह रहा हूँ सही दाम पे, क्योंकि हमारी कीमतें लगभग आप यदि देखेंगे कि कई सेक्टर में तो आधा या 1/3 जो कि हमारे कंपटीटर जो बीज बेच रहे हैं, तो हम सही दाम पे विशेष जोर दे रहे हैं किसानों को कि उनको गुणवत्ता वाला बीज सही दाम पे मिलना चाहिए, उस पर हमारा फोकस है। इचिबान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल अग्रवाल ने इचिबान ग्रुप के अंडर एक नए वेंचर की शुरुआत की है, जिसके बारे में उन्होंने कृषि जागरण को विस्तार से बताया। इचिबान ग्रुप के अंडर हमने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है बाय द नेम ऑफ कॉम्रेड्स एग्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड, और कॉम्रेड्स एग्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड एक अलग ब्रांडिंग एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम बहुत अच्छे नए केमिस्ट्रीज और मॉलिक्यूल्स मार्केट में लॉन्च करने लगे। बट ये एक एक्सक्लूसिव क्लब कंपनी ने बनाया है, जिसके अंदर जो केवल एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पे ही अराउंड 500 एक्सक्लूसिव कस्टमर्स हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं, और करीबन एक्सक्लूसिव 50 नई केमिस्ट्री हम इस मार्केट में देखें। तो ये पहला साल होगा जिसमें हम बहुत जल्दी किसानों तक कॉन्ग्रेट्स के नए उत्पाद, नई नई केमिस्ट्री हम मार्केट में पहुँचाएंगे। निजी कंपनी द्वारा डाई अमोनियम फास्फेट के 50 किलो के कट्टे के दाम 300 रूपए बढ़ाए जाने के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल किसानों के अनुसार धान, मेथी, गन्ना समेत कई सब्जियों की बुवाई के समय DAP की आवश्यकता ज्यादा होती है, ऐसे में उन पर आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक अब फसलों की लागत भी 20% तक बढ़ जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बैठक हुई, जिसमें किसान संपदा योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्क योजना के तहत 2 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। साथ ही इन परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और 50,000 किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। वुमेन इन कम्युनिटी बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोग्राम 27 मार्च को सुबह 11 बजे कृषि जागरण केरला के फेसबुक पेज पर लाइव हुआ था, जिसमें 12 प्रतिभाशाली महिलाओं ने बताया कि कुटुंबश्री ग्रुप के साथ जुड़कर उन्हें एक अलग पहचान मिली है और अपनी जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल कर रही है।
कृषि जागरण का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि देश के किसान समृद्ध और सशक्त बने, और इसीलिए फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम 28 मार्च को सुबह 11 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा, जिसमें किसान शामिल होकर अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारियां और खेती से संबंधित समस्याएं साथ ही अनुभव शेयर करेंगे। देश के कई इलाकों में हल्की बारिश और आंधी के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। उत्तर भारत में तापमान लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके साथ देश के पूर्वी राज्यों में 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 28 और 29 मार्च को ओले गिर सकते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।